हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो मैं कोई रेमेडी लेके नहीं आई हूँ। इट इज़ अबाउट माय हेल्थ अपडेट, और जो कि मेरे पहले व्यूअर्स हैं उनको पता है। और अभी जो है वो इन्फेक्शन जो है ब्लड में, जो मेरे इन्फेक्शन है जिसके लिए मुझे रेगुलर चेकअप में मुझे जाना पड़ता है, तो अभी जो है वो इन्फेक्शन ऑल ऑफ अ सडन बहुत बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है। और अभी मुझे फिर से जो वही सेम प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है। आई एम फीलिंग वेरी मच फटीग, टायर्ड एंड मैं मतलब क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा जो है थक जाती हूँ। मैं थोड़ा सा भी अगर बात करती हूँ मैं हाँफने लगती हूँ, और ब्लड टेस्ट वगैरह तो हर दूसरे तीसरे दिन बुलाते हैं, हफ्ते में दो बार करके बुला रहे हैं ब्लड टेस्ट के लिए। और इनफैक्ट ये इस वाले हाथ में ब्लड ले लेके जो है मैं आपको इमेज जो है वो दिखा दूंगी। यहाँ पे इनफैक्ट ब्लू स्पॉट भी हो चुका है। अब तो दो हफ्ते हो गए हैं, अब तो मतलब पहले के कंपेरिजन में थोड़ा कम है, पर हाँ अगर देखेंगे तो आपको जो है वो फर्क पता चलेगा। अभी भी जो है आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, मुझे अभी भी मतलब बात करने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ। बीपी मेरा ऑल ऑफ अ सडन बहुत जल्दी 80-40 में फॉल हो जाता है, और अभी जो है 80-90-100 के करीब करीब का है। अभी जो है मैं और जो मेरा मेन जो रीज़न है ये वीडियो बनाने का, मेरा जो हेयर ग्रोथ है वो कैसा है वो आप लोगों को पता है, पर अभी चूंकि मेडिसिंस और अचानक से जो है मेरा हेल्थ डाउन हो गया है, जिस वजह से मेरा जो हेयर फॉल है वो बहुत सीवियर रूप हो रहा है बिकॉज ऑफ मेडिसिंस एंड ऑल द एंटीबायोटिक्स एंड ऑल। आप देख ही सकते हैं, ये देखिए कुछ क्लिप्स है, क्लिप है जो इमेजेस है एक्चुअली, वो मैं वीडियो में ही मैं शेयर कर दूंगी। फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब देखिए पहले ये जो मेरे गैप्स थे वो बिल्कुल जो है चले गए थे। पहले के गैप्स वो भी अगर आप मेरे पुराने वीडियोस अगर मेरे सर्च करोगे आप आपको दिखेगा, पर अभी जो है वही सेम कंडीशन दोबारा से हो आ गया है। तो अभी जो है मैं फिर से जो है थोड़ा जैसे बेटर फील करने लगूंगी, तो एक रेमेडी है जिसपे कि मुझे बहुत इमीडिएट मुझे रिजल्ट मिला था मुझे मेरे बालों के लिए, और उसको मैंने यूज़ किया था आज से कुछ नहीं तो 2 साल पहले, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ब्लड इन्फेक्शन ये मुझे कुछ नहीं तो 4 साल से है। और तो ये हेयर फॉल और फिर फेस में जो क्या बोलूँ मैं, स्पॉट्स आना, झुर्रियाँ वगैरह, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मैं लास्ट 4 ईयर से मैं झेल ही रही हूँ, मैं फेस कर ही रही हूँ। तो इन सबका जो सोल्यूशन है मेरे पास ऑलरेडी है रेमेडीज, और उसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत ही इफेक्टिवली मुझे मिले हैं रिजल्ट्स। तो अभी जो है शायद मैं फिर से कहूँगी, वैसे भी मेरे वीडियोस जो है वो मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यू, और अभी जो है मैं ये वीडियो के बाद ही जो है मैं अभी मुझे इस फ्राइडे को यानी कि 24 नवंबर को मुझे फिर से जाना है डॉक्टर के पास सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेके, फिर से मेरे DNA, मेरा बोन मैरो टेस्ट, ये सारे टेस्ट हो रहे हैं, और विच इज़ वेरी बोन मैरो टेस्ट इज़ वेरी वेरी पेनफुल, और उसकी वजह से मुझे कमर में बहुत ज़्यादा पेन है। मतलब मैं जब बैठी हुई हूँ, अभी जब भी ऋषा को लेने जाऊँगी, मतलब वो कैसे जाती हूँ मैं और कैसे कर रही हूँ मुझे ही पता है, मेरे हस्बैंड को पता है। तो यही है अभी सिचुएशन फ़िलहाल मेरी, और मैं कोशिश करूँगी जो मैं अभी ये फ्राइडे के बाद जो है मैं, आज है डेट आपका 22 नवंबर, ये मैं वीडियो बना रही हूँ, और इसके बाद का जो वीडियो है मतलब आफ्टर 24 नवंबर का जो वीडियो है मैं डॉक्टर दिखा के आऊँगी ना, उसके बाद ही जो मैं वो रेमेडी मैं कोशिश करूँगी मैं लगाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरे बाल जो है वो सीवियर रूप से फॉल हो रहे हैं, और वो जो रेमेडी है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए।
तो मैं वो भी, अगर आप लोग भी सेम इसी तरह की सीवियर हेयर फॉल्स अगर आप लोग भी परेशान हैं तो आप लोग भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो रिजल्ट वो पर्सनली बहुत अच्छे मिले हैं। अगर आप लोगों को जल्दी अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आप लोग उसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो और ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ। आप लोगों के कोई भी सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, आप लोग डेफिनेटली नीचे लिख के मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों के साथ मिलती हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।